देव। बेटा इससे तेरे बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। हम तो पाप में पले हैं और पाप में बड़े हुए हैं और पाप में ही मरेंगे। देख अब तेरा मेरा मिलना कभी ना होगा। गांव पहुंच के गोल्डियों की ठकराइन ठकराइन पानी में गिर के मर गई, गंगा जी में डूब गई। जगह लगे रहो, बदमाश यहीं कहीं होगा। धर्म की जगह में किसी बदमाश का क्या काम? हरिहर साहब, देखा है तुमने? कौन? अरे धोती कुर्ता वाले साहब। हाँ हाँ यही जो जा रहता है। जब से आए हूँ रोज ही देखती हूँ, बड़े भला मानुष दिखते। खूनी है, आतंकवादी, टेररिस्ट। 50 रुपए का इनाम है उस पर, मिल जाए तो खबर कर देना। अरे हमें क्या खबर थानेदार साहब, सुबह से बच्चे को लेकर परेशान रहती। रात को क्या क्या हंगामा हुआ इधर, चिंता कर करके मेरा तो खून सूख गया। और दनीसी चाचा कहाँ है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? आए कि नहीं वो?
अरे क्या बात है, ये क्या हाल बना रखा है? अरे बताइए तो सही, अम्मा कहाँ है, क्या हुआ? अम्मा खत्म हो गई। क्या मतलब खत्म हो गई? अम्मा सिधार गई। क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? अरे ठीक से बताइए क्या हुआ है? कहा ठीक से बता लक्ष्मी, जिनके गले लग लग कर हम इतने बड़े हुए, आज मालूम चला कि वो लोग क्या थे। कौन क्या थे, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मी, अम्मा हमारी नाचने वाली थी, पिताजी डाकू थे। कौन कहता है, अरे किसी ने भी बोल दिया और आपने मान लिया। आने दो गणेशी चाचा। गणेशी चाचा आए थे, उन्होंने बताया ये सब हमको। अरे कुछ बोलो ना खा भैया। बाबू जी बाबू। अम्मा क्या भैया? अम्मा को अम्मा चल बसी। बाबू जी कल तक तो बाली चल रही थी, बीमार भी नहीं दिखती थी। बाबूजी वो नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो इनके साथ गई थी गणेशी चाचा को देखने और अंधेरे में पैर फिसल गया। सब ऊपर वाले की माया है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा। आइए सर। अरे कहाँ आइए, अरे चलिए तो। पंडित महाराज यहाँ पेड़ गिनाने लाए होगा? अरे पेड़ नहीं सरकार, आइए हम आपको बताएंगे क्या क्या गिनेंगे आप, आइए। अरे पंडित, तुम्हें सुबह भंग तो नहीं पिला दी गई? सरकार जब आप नजारा देखेंगे ना तो आपको भांग से भी ज्यादा नशा आएगा। वो देखिए। अरे कहां? अरे वो देखिए ना सामने। वाह पंडित जी, कमाल का काम किया। अब यहाँ क्या करते, जाओ निकलो। ये रास्ते में छोड़ना। हाँ चलो 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 बैठो। बाबूजी आप महान हैं बाबूजी। अरे बेटा इतनी मोहब्बत तो मुझे मेरी औलाद ने नहीं दी, अब बैठ जा तू। केहर समय अनुकूल है, मेरी मानो तो खेती बाड़ी का काम तेजी से बढ़ाओ और पैसा कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सही बात है, अब जब पैसा हाथ में है तो इधर उधर गंवाने से अच्छा कहीं लगा दो। कह रहे ना तुम्हारे नाम तो मैं सिंह राशि वालों से बहुत फायदा होगा। अब चले चलो। मुसीबत की मारी हूँ सेठ, थोड़ी दया चाहिए। चल चल आगे जा। तेरा धंधा फूलेगा सेठ, तेरे बाल बच्चे सदा सुखी रहेंगे सेठ। हाँ ना, थोड़ी दया चाहिए।
जरा खिड़की। कितने पैसे चाहिए? पूरी तिजोरी खाली करके ले जाएगी? हाँ सेठ, चाबी निकालो सेठ। मेरे पास कोई चाबी नहीं। ये मेरा समय खराब मत कर सेठ। चाबी निकाल सेठ, बोल चाबी ना रखिए, बोल। सीता मैया की कसम। मेरा समय खराब मत कर सेठ, चाबी निकाल जल्दी। जल्दी चाबी निकाल, चाबी निकाल सेठ। माता भाई लिखने वाला मुंशी। बच्चे तेरे नाम को रोएंगे सेठ। चाबी निकाल जल्दी, मेरा समय खराब मत कर। कोई है? अरे लोचन दास कहीं बाहर गए हैं क्या? लोचन दास, खाने? अरे वो पान कब से खाने लगा? बहन जी माफ करना भाई जी, जरा हमारी तबीयत ठीक नहीं है। जुर्म क्या है इसका? जुर्म तो छोटा ही है हुजूर, लेकिन असल में कहानी कुछ और ही है, इसीलिए आप ही याद। नाम क्या है इसका? नाम पता सब गलत बताती है, बाहर की छोकरी है। कल मंडी में किसी महाजन को पिस्तौल दिखाकर लूटने की कोशिश में थी। अच्छा, क्यों रे, क्या नाम है तुम्हारा? जिंदा रहना चाहती हो तो सच बोलो। देखो, मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता, समझी? लो पानी पी लो। बिल्कुल, शाबाश। लालचंद कहाँ है? और लालचंद लो, बोल भी उठी। अब यह सिर्फ बोलेगे ही नहीं, दौड़ेगे भी, दौड़ेगी। इसका भाई मेरठ में स्कूल मास्टर है, ये घर से भागी है, टेररिस्टों के साथ मिलकर एक शहर से दूसरे शहर में घूमते रहे। बैठो, सही किया है। देखो जैसे धक्का मारा गया था, लालचंद कहां है? मैं कुछ भी नहीं जानती, इसे मेरे कमरे में ले आओ। कौन हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? मैं जो भी हूं बस इतना जान ले कि मेरी वजह से जिंदा है तू, नहीं तो बह गया होता गंगा जी में। मैं लात कर आया हूं तुझे वहां से। तो बह जाने दिया होता। ले ये खा ले, 30 घंटे से बेहोश पड़ा था तू, पेट में डाल ले इसे, तब तय करना कि जिंदगी नहीं चाहिए कि मौत। शांति से, शांति से। नहीं बुरा नहीं है,
लेकिन नमक कुछ ज्यादा है। अब जो भी सामने है खा ले, नमक कम ज्यादा की बात अपनी घरवाली से करना। बहुत भूख लगाई थी बाबा। बाबा इस पुलिस से भागने के चक्कर में पुलिस लगी है मेरे पीछे। जानता हूं मैं, इसीलिए लात के लाया हूं मैं तुझे इतनी दूर से। भागे हैं हम सरकार से, भागे हुए हैं। और तुम? हम भी बस भागे हुए ही हैं, पता नहीं किससे, शायद खुद ही से। घर परिवार सब पीछे छोड़ गया है, बहुत पीछे। तब तो तुम हमारे साथ हो। सूरज ढलते ही हम लोग शहर पहुंचकर, अरे ये देखो है, पेट ने मुट्ठी भर अन्न गया नहीं कि तू जिंदगानी के गुण गाने लगा। Me too, Father. I miss England. I miss my mother. I miss my father. I miss the countryside. But I know I have to live here now. अरे राजा साहब कहाँ जा रहे हैं आप? दो चार कदम दूरी रहिए। अरे हर क्रिस्तानी मंदिर है, कुछ हो गया तो खाम खाम नया धर्म संकट पड़ जाए। अरे पंडित जी हमको पता है कितना कदम आगे चले और कितना कदम पीछे। अरे तुम्हारे उपदेश पर चलते ना तो फिर सिलवनिया बैठी होती वहाँ ब्रिटेन में और हम यहाँ फैजाबाद में चिट्ठी भेज रहे होते उसको, समझे? चार कदम पीछे रहे पंडित जी, आपकी बुद्धि में बात का है नहीं आती। बेचारी धर्म बदल रही है हमारे प्यार की खातिर। अब आखिरी बार मंदिर में मत्था टेकने गई है अभी, फिर भी आपकी बेटी जैसी बजाय ममता जागने के आप खून दिलाने वाली बात कर रहे हैं। जाओ जाओ पंडित खोजो। अरे जाओ ना, अब यहां क्या कर रहे हो? जाओ। कहा सिलवनिया, कैसा रहा विदाई समारोह? What do you mean? अरे हमारा मतलब है कि कहा बोले तुम्हारे पुजारी जी। बस एक बार हमारी तुमसे शादी हो जाए फिर तुम देखना हम तुम्हें कैसे माथे पर बिठा कर रखते हैं। ये जमीन देख रहे, ये सारी जमीन हमारी है। सब तुम्हारा प्रॉपर्टी? हाँ जाने मन, सब हमारा प्रॉपर्टी, लेकिन सब तुम पर लुटाए देंगे और तुम्हारे कदमों फकीर बनकर पड़े रहेंगे। यहाँ के लोग सब तुम्हारा पीपल? हाँ सब हमारा पीपल, सब हमारा पीपल। किधर जाते हैं हम लोग? अरे जहाँ सरकार इशारा कर दे, गुलाम की गाड़ी वहीं के लिए मुड़ जाएगी। रुको सिलवनिया रुको भाई, बहुत तेज दौड़ती हो तुम। अरे रुक जा पकड़ लिया। ओ जी अम्मी। जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे ना तब भी इतना नहीं दौड़े थे। तुम का जाने तुम्हारे विरह में कैसे दिन बिताए। यानी तुम्हारे जुल्फ की दूरी, तुम्हारे सितम और हमारी ये नन्ही सी जान, अब और दूरी बर्दाश्त नहीं होती। चाहिए तुम लोगों ने खेल रोक का है दिया, चालू रखो हमारे पास बहुत टाइम। ये तो कंटोनमेंट की मलमल मेम लगती है, इस मलमल मेम को तो हम लेके जाएंगे बाबू साहब। देखिए आपको रुपया पैसा चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारी पत्नी है भाई। तुम चाहते हो ना हम तुम्हारा हिसाब करके जाएं, चलो तुम्हारी ये मुराद भी पूरी कर देते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं ना, मार साले।